सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को गलत माना और इसलिए इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो जबरन ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही मामला राजधानी पटना में देखने को मिला, जहां दो मौसेरी बहनें निकाह कर एक साथ रह रही हैं। उनका कहना है कि हम दोनों आजीवन एक साथ रहना चाहते हैं। अपने बारे में जानकारी देते हुए इन्होंने खुद को सिवान जिला के अहमद थाना क्षेत्र के HH नगर निवासी खुर्शीद अहमद की बेटी निवासी रोशनी खातून और तरवार थाना क्षेत्र के मंजूर आलम की बेटी तराना खातून है, जो पटना में एक साथ पति पत्नी की तरह रह रही हैं। परिजनों का कहना है कि यह दोनों सिवान से भागकर पटना में एक साथ रहने लगी। इनकी मर्जी की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन इन दोनों पर समलैंगिक विवाह करने का पागलपन सवार था। दोनों का कहना है कि हम लोग एक धर्म के हैं, आपस में रिश्तेदार भी हैं, फिर उन्हें ऐसा करने में परेशानी क्या है। हम लोगों ने निकाह कर लिया है और अब एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। हालांकि इनकी इस शादी से दोनों के परिजन नाराज भी हैं और काफ़ी परेशान भी हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया जब यह दोनों बहनें परिजनों के विरोध के बाद पटना के SSP को लिखित आवेदन देकर खुद की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आवेदन में लिखा है कि हम दोनों वयस्क हैं और अपनी मर्जी से एक साथ रहना और जीना चाहते हैं। हमारा परिवार समलैंगिकता का विरोधी है, इसलिए वे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। इस स्थिति में ऐसा मुमकिन है कि वे लोग हम दोनों पर हमला भी करवा सकते हैं। भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हम लोगों के माता पिता होंगे। पटना SSP के पास आवेदन देने के बाद SSP ने महिला थाना को बुलाकर मामला महिला थाना को सौंप दिया है। महिला थानाध्यक्ष दोनों को महिला थाना ले आई है, जहां दोनों ने पहले जमकर बवाल किया और फिर अपने परिजनों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दिए गए आवेदन में उसने बताया कि पिछले 3 साल से दोनों एक साथ रह रहे हैं। जब परिजन दोनों को अपने अपने घर ले जाने लगे, तब दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब नौटंकी की और अपने परिजनों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महिला थानाध्यक्ष ने दोनों को काउंसलिंग भी किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्हें छोड़ दिया गया है और दोनों परिजन भी वापस अपने अपने घर लौट गए हैं। दिक्कत है आपको? बटन क्या है? माँ जा रही है। बैठो ना तू लोग। बैठो तू लोग। आपने गुहार लगाया कि माँ ने पी के गुहार लगाया कि बैठाओ ना उसको भाई, समझाओ काहे ऐसे कर रहे हो। मामला है, लड़कियां पहुंची थी आपस में रहने की बातें कह रही थी। दो लड़की जो हैं थाना पर आकर महिला थानाध्यक्ष के नाम से रेहाना खातून और एक जो हैं रोशनी खातून आवेदन दी कि हमें गार्जियन से जो है जान माल की सुरक्षा चाहिए। हम लोग उन लोग महिला मित्र हैं और हम लोग उन लोग से गार्जियन से डर है। उनके गार्जियन को बुलाकर महिला जो थानाध्यक्ष सभी हैं उनके द्वारा काउंसलिंग किया गया। उनके बच्ची लोग जो है गार्जियन के साथ जाने से इनकार किए और उन लोग ये हवाला देते हुए इनकार किए कि हम लोग बालिक हैं, उन लोग अपना ज़िंदगी खुद जिएंगे। कहाँ के रहने वाले? ये दोनों सिवान के रहने वाले हैं। ठीक है, गार्जियन भी आए थे? हाँ, गार्जियन आए थे। महिला थानाध्यक्ष द्वारा वर्तमान महिला विधिवत उनका काउंसलिंग किया गया, परंतु उन लोग अपने गार्जियन के साथ जाने से इनकार किए क्योंकि हम लोग दोनों बालिक हैं और हम अपना जिंदगी खुद जिए। लड़की का क्या कहना है? लड़की कहना कि हम लोग अपना खुद जिएंगे, हम गार्जियन के साथ। परिवार भी पहुंचा था? हाँ, परिवार आए थे और काउंसलिंग भी किया गया था। क्या कुछ परिवार वाले ने क्या कुछ कहा? अंतोगत वो लोग चले गए परिवार वाले, क्योंकि लोग बालिक हैं, अपना जिंदगी खुद जिएंगे। संवैधानिक रूप से बालिक होने के कारण किसी का दबाव नहीं। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।